साथियों, जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान को उसमें एक अहम स्थान है। ये रिश्ते आज के नहीं है बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। इन रिश्तों की एक कड़ी महात्मा गांधी जी से भी जुड़ती है। संयोग से ये पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती का भी वर्ष है। गांधी जी की एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और वो सीख थी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिन तीन बंदरों को इस संदेश के लिए बापू ने चुना, उनका जन्मदाता 17वीं सदी का जापान है, 17th सेंचुरी का जापान है। मिझारू, किकाजारू और इवाजारू, जापान की धरोहर है, जिनको पूज्य बापू ने एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतीकात्मक के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया।